हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अभी सभी जानते हैं, हमारी क्लास चल रही है यहाँ पे हिस्ट्री की, और पैट के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, पैट एग्ज़ाम के बारे में। तो जो साथी जुड़े हैं उन सबको तो पता ही है, जो नहीं जुड़े हैं उनको बता देती हूँ। यहाँ पैट का ये सिलेबस है, एक बार देख लीजिए आप। इसे 15 खंड में डिवाइड कर रखा है हमने। इसकी शुरुआत जो है इतिहास से की है, भारतीय इतिहास से। ये ख़त्म होने के बाद फिर हम चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर। इसके बाद फिर हम भूगोल को करेंगे, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को, इस तरह से करते चलेंगे। तो हमने भारतीय इतिहास में आपको कौन कौन से टॉपिक दे दिए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, वैदिक संस्कृति को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, और आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश में। ठीक है, तो पर टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते, चलते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि मैं बहुत डीप क्लास नहीं लेने वाली हूँ इसके बारे में। जैसा कि आप 3-4 दिन से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, बस मैं बहुत कम टाइम में उतना जल्दी वाला रिविज़न करा रही हूँ आपको। और जितने भी पॉइंट लेकर के आई हूँ सभी सिलेक्टेड हैं, एकदम फैक्ट हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और सभी इतने इंपॉर्टेंट किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल होंगी आपकी इस एग्ज़ाम के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ पेट के लिए, पेट के अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम में देते हैं, जैसे कि SSC का हुआ, और आपका ये रेलवे ग्रुप डी का हुआ, यार और भी ऐसे कोई एग्ज़ाम है जिसमें GK टाइप के, GS के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी के साथ कुछ क्वेश्चन इसमें आपको नए भी मिलेंगे, मॉडरेट लेवल के भी एक आध कोई क्वेश्चन आपको हार्ड भी मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो बनाया गया आपके लिए। चलो चलते हैं क्लास की ओर। मौर्य सम्राट, स्पेशली अशोक सम्राट। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसकी माता का नाम मूरा था। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल उपनाम का उपयोग किया जाता है। वृषल किसमें? मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ है, उसमें इसे वृषल कहा गया है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न यह है कि मुद्रा राक्षस बताइए कि किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। वृषल का मतलब जान लेते हैं। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? शूद्र कुल से बताया गया है, और बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में से क्षत्रिय कुल का बताया गया है। और रोमिला थापण ने इन्होंने कहा है कि ये वैश्य कुल से उत्पन्न है। तो सभी के अपने अपने मत है, किसी में कुछ कहा है, किसी में कुछ कहा है, वो आपको यहाँ बता दिया मैंने। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख जो है साक्ष्य रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। किसमें? यूनानी ग्रंथ जो है उसमें से सेंड्रोकोट्स कहा गया है। अगला पॉइंट है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदराज वंश के राजा कौन थे? घनानंद को युद्ध में पराजित करके और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये तो कहानी आपको पता ही होगा कि जब ये घनानंद को हरा देता है, किसके साथ? अपने मंत्री जो उनके होते हैं चाणक्य, उनकी सहायता से। उसके बाद में फिर ये वहाँ पे घनानंद के पराजित होने के बाद में फिर मगध में मौर्य वंश की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है, और जो NCERT बुक्स मानती हैं उनका मानना है कि 324 ईसा पूर्व में बैठता है। सबके अपने अपने मत हैं। तो ज़्यादा वैसे एग्ज़ाम में 321 ही पूछा जाता है, और NCERT स्पेशली अगर पूछती है आपसे कि NCERT अकॉर्डिंग क्या है, तो डेट ऐसा कन्फ्यूजन तो खैर नहीं रखेंगे आपके लिए, लेकिन फिर भी ये आपको डेट याद रखनी चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा मगध की, तो आपको याद रखनी होगी कि 321 ईसा पूर्व में। चाणक्य की सहायता से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा घनानंद को युद्ध में हराया, तब जाके ये मगध की गद्दी पर बैठा था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री दोनों ही थे, गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। इनके अन्य नाम किसके? चाणक्य के। क्या क्या नाम इनके अन्य? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अब सभी जानते हैं, बहुत फेमस हैं ये। चाणक्य ने 3 मौर्य राजाओं के शासन
का संचालन किया था। चाणक्य का जन्म जो है तक्षशिला में हुआ था। बृहत कथा कोश में चाणक्य की पत्नी का नाम जो है यशोमती मिलता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है। अर्थशास्त्र देखकर लगता होगा कि कोई इकोनॉमी संबंधित कोई बुक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र जो है भारत की पहली राजनीति संबंधित पहली पुस्तक है। कौन सी? अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया, और हराने के बाद फिर ये क्या होता है कि ये सेल्यूकस अपनी पुत्री की शादी इसी से कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य से। उसका नाम होता है हेलेना। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा था, और सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, जैसा मैं भी बताया आपको। तो मेगस्थनीज ने भारत के विषय में एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, उसकी रचना की है। भारत के बारे में बहुत अच्छी जानकारी से इंडिका नामक पुस्तक से मिलती है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य चार प्रांतों में बटा था। कितने प्रांतों में? चार प्रांतों में बटा था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में, इसके शासनकाल में सेना के 6 अंग थे। मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य काल में समाज जो है 7 भागों में बटा था। ठीक है, मेगस्थनीज पुस्तक जो इंडिका है इसमें भारत के बारे में बहुत अच्छे से विस्तृत जानकारी दे रखी है। तो उसमें क्या कहा गया कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था, और चंद्रगुप्त का साम्राज्य जो है वो 4 प्रांतों में बटा हुआ था, और शासन में सेना के अंग कितने थे? वो 6 थे। केंद्रीय शासन की सुविधा की दृष्टि से मंत्रिपरिषद को कई भागों में बांटा गया था। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को अमात्य, अध्यक्ष जो होते थे आज के टाइम में जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें उस टाइम में अमात्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के इसके शासनकाल में अमात्यों की संख्या कितनी थी? अमात्यों की संख्या 18 थी, यानी कि प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष, यानी सभी विभाग थे तो यानी कि 18 अगर अमात्य हैं तो विभाग भी 18 ही होंगे, सबके एक एक होंगे इस तरह से। तो जैन धर्म को चंद्रगुप्त जो है जैन धर्म को स्वीकार करके भद्रबाहु नामक जैन भिक्षु के साथ मैसूर चला गया था। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कर्नाटक में चला जाता है कौन, जैन चंद्रगुप्त मौर्य, तो वहाँ जाके श्रवण बेलगोला नामक एक पहाड़ होता है, वहाँ पे संलग्न पद्धति से अपने प्राणों को त्याग देता है कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 300, लेकिन ये 297 वाली पूछी जाती है। 297 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में, कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। वहाँ उपवास जो जैन धर्म उसको क्या कहते हैं? संलेखना। तो उसके द्वारा अपने प्राण त्याग देता है। बी एस स्मिथ ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है कि वही सही अर्थों में, क्या लिखा है कि वही, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक व्यक्ति था जिसे भारत का सम्राट कहा जा सकता है। ये किसने कहा है? वी ए स्मिथ ने कही ये वाली बात कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक व्यक्ति था जिसे भारत का सम्राट कहा जा सकता है। अच्छी बात कही उन्होंने इसके बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था। ठीक है, इसका पुत्र था बिंदुसार जो इसका उत्तराधिकारी बनता है, जो 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार अमित्रघात की उपाधि धारण कर, बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि मिली, उपाधि धारण करता है, उसके बाद ही मगध के सिंहासन पर बैठता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं को मारने वाला, शत्रुओं को नाश करने वाला, इसका मतलब है। बिंदुसार को एक यूनानी लेखक कौन था? अमित्रोचेट्स, यूनानी लेखक था। स्ट्रेबो ने अलिट्रोकेट्स तथा ग्रीक लेखक था अलिट्रोकेट्स तथा ग्रीक लेखक, ये ग्रीक लेखक कौन है? अमित्रघात।
बिंदुसार को एक यूनानी लेखक ने, अमित्रोचेट्स, स्ट्रेवो ने, अलिट्रोकेट्स तथा एक ग्रीक लेखक है उसने इसे अमित्रघात कहा है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। किसे? बिंदुसार को। वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान थे कौन? तारानाथ थे। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और फिर बाद में अपने पुत्र अशोक को भेजा। बिंदुसार का पुत्र सुसीम था और अशोक भी था, लेकिन सुसीम बड़ा था तो पहले सुसीम को भेजा था, सुसीम नहीं दबा पाता है तो फिर अशोक को भेजता है वो। आर मंजुश्री मूल कल्प के अनुसार बिंदुसार राज्य का संचालन चाणक्य करता था। एक मत ऐसा है कि मंजुश्री मूल कल्प के अनुसार बिंदुसार के राज्य का संचालन है चाणक्य करता था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? आजीवक का। आजीवक मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न है कि बताइए कि आजीवक संप्रदाय का जो आचार्य है वो कौन है। ठीक है, नहीं पता होता आप लोग, हालांकि मैं बता चुकी हूँ, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर, नहीं तो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी कि आजीवक संप्रदाय का आचार्य कौन था। बिंदुसार के दरबार में सेल्यूकस के पुत्र और सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र का शासक कौन था? मिस्र का शासक फिलोडेल्फस यानी कि टोलमी सेकंड का राजदूत डायनोसियस रहते थे। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में ये सभी लोग रहते थे। डायमेकस को मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। डायमेकस को मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार और सेल्यूकस के पुत्र सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम सोटर के बीच होने वाली आपसी मित्रता संबंधी चिट्ठी पत्री की विचित्र कहानियां सुरक्षित हैं। ऐसे लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं है। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बिंदुसार ने सीरिया के प्रशासक एंटियोकस से क्या मांगा था? मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी सीरिया के शासक से बिंदुसार ने। लेकिन होता क्या है, वहाँ से मदरा भेज दी जाती है, सूखे अंजीर, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी दार्शनिक का विद्या का ज्ञान का इस तरह से व्यापार नहीं करते, हमारे लिए शोभा नहीं होगा ये किसी दार्शनिक को आपको इस तरह से यहाँ भेजना, तो दार्शनिक भेजने से इनकार कर देता है। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में होती है। इसकी मृत्यु के बाद अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में 99 भाइयों को मारकर बैठता है, ऐसा माना जाता है। अशोक का राजाभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ, जैसे कि पाटलिपुत्र यानी पटना में। अशोक के सिंहासनारूढ़ होने के बाद में, फिर शासन पर विराजमान हो जाता है, उसके बाद में देवनाम प्रिय और देवदर्शी नामक उपाधि धारण करता है। राजा बनने से पहले अशोक तक्षशिला में प्रांतपति था, क्योंकि जब ये भेजता है ना बिंदुसार अपने पुत्र पहले सुसीम को भेजता है वहाँ पे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला में, तो हार जाता है, असफल रहता है विद्रोह को दबाने में, तो फिर ये अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजता है और अशोक इस कार्य में सफल हो जाता है। सहेली अनुश्रुति से ज्ञात होता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध गद्दी पर बैठता है, ये भी बता दिया मैंने आपको। अशोक राधा गुप्त के सहयोग से मौर्य सिंहासन पर बैठता है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है। बताया जाता है कि कलिंग युद्ध जो हुआ था बहुत भीषण युद्ध था, चारों तरफ लाश ही लाश बिखरी हुई थी, नदियां खून से बह रही थी, बच्चे औरतें सभी का सर कलम धड़ से कलम कर दिया गया था, मतलब बहुत भयंकर युद्ध था। तो तभी से जब ये दृश्य देखता है अशोक तो उसके हृदय में परिवर्तन हो जाता है, तब से वो इसे त्याग देता है। कलिंग युद्ध उसके जीवन में महत्वपूर्ण घटना है। इस युद्ध के बारे में अशोक के 13वां अभिलेख से जानकारी मिलती है। कलिंग के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? 13वें अभिलेख से। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक के समय में कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी थी तोशली। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है अभिलेखों को?
तीन भागों में, कौन कौन से? 14 शिलालेख हैं, 2 लघु शिलालेख हैं तथा 7 स्तंभ लेख हैं। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। अशोक के सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया है। अशोक के अधिकांश लेख लोगों द्वारा समझने हेतु, यानी लोगों द्वारा समझने के लिए किस भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अशोक ने अपने शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए कुणाल को भेजा था। अब अशोक ने अपने शासनकाल में किसे भेजा था? इसने कुणाल को भेजा था। मौर्य साम्राज्य में सबसे महान सम्राट अशोक कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य में अगर कोई सबसे महान सम्राट हुआ था तो वो अशोक है, ऐसा माना जाता है। इसका कारण क्या है? भारतीय समाज में एकता स्थापित करने का भरसक प्रयास किया था अशोक ने, इसलिए इसे महान सम्राट माना जाता है। कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर बसाया था, ऐसा लिखा है राज तरंगिणी नामक पुस्तक में जो कि कल्हण ने लिखी है। तिब्बती जनश्रुति के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि अशोक ने नेपाल में ललित पत्तन नामक नगर की स्थापना की थी। अशोक की पुत्री कौन थी? चारुमती। चारुमती ने देव पत्तन नामक नगर को बसाया। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया था। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र, हमने पहले भी पढ़ा था इसे, बौद्ध धर्म में पढ़ रहे थे, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और दूसरी पुत्री जो उसकी थी कौन थी? वो चारुमती थी। चारुमती को उसने नेपाल भेजा था इसी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष कर दिया था। अशोक के बौद्ध गुरु उपगुप्त थे। अशोक होता क्या है कि उपगुप्त की शिक्षा दीक्षा से ही ये बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाना प्रारंभ कर देता है। बौद्ध धर्म के पहले अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। जब बौद्ध धर्म को नहीं मानता था तो उससे पहले ही ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। अशोक के धर्म की परिभाषा क्या है? अशोक के धर्म की परिभाषा जो भी है वो राहुलो वात्सुत से ली गई है। भाबरू लघु शिलालेख से अशोक के धर्म का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य दिव्य वदान से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य है एक, वो उसका नाम है दिव्य वदान, वहाँ से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक की रानी तिस्य रक्षिता अशोक के बौद्ध धर्म की ओर झुकाव का विरोध करती थी। इन्हें पसंद नहीं था इनकी रानी को कि ये बौद्ध धर्म की ओर बढ़े, इसकी ओर झुकाव इनका बना रहे, तो ये इस बात का विरोध करती थी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मगध की बात करें तो मगध में सबसे पहला, ये वो बृहद्रथ नहीं है जो सबसे पहले मौर्य वंश में आता है, मगध में आता है, मौर्य वंश में ही, सॉरी। तो बृहद्रथ ये अशोक के टाइम का है मौर्य वंश का, और वो आता है मगध में सबसे पहले। सबसे पहले हो जाता है जब हर्यंक वंश आता है, हर्यंक सब पहले भी आता है एक बृहद्रथ वंश, तो वो बृहद्रथ अलग है और ये वाला बृहद्रथ अलग है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें आप। तो अशोक की मृत्यु 232 पूर्व में हो जाती है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और 185 पूर्व तथा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 187 पूर्व में इसके ये शासक बनता है, जिसकी सैनिक विद्रोह में हत्या कर दी जाती है। किसकी? बृहद्रथ की। मौर्य शासन लगभग 137 वर्षों तक रहता है। 321 में से 185 माइनस करते हैं तो इतना निकल के आता है, तो इस तरह से इसका ही शासन काल रहा है इसका मौर्य शासन में। मास्की राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। मास्की अभिलेख है उसमें अशोक के व्यक्तिगत, यानी कि अशोक खुद अशोक लिखा हुआ मिला है, तभी तो कहा कि व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, यानी कि इसका मतलब सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली भाषा का तथा राष्ट्रीय लिपि के रूप में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी ग्रीक
अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया था। ग्रीक तथा अरमाइक लिपियों में लिपियों का शिलालेख शारकुनाल शिलालेख है जो कांधार से प्राप्त होता है। मानसेरा एवं सहवाजगढ़ी विलेख से खरोष्ठी लिपि में शिलालेख प्राप्त होता है। खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं ओर से यानी हम लोग इस तरह से लिखते हुए जाते हैं, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है, लेकिन ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, इस तरह से लिखी जाती है ये, इसलिए खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। शिलालेख की कुल संख्या जो है वह 14 है तथा स्तंभ लेख की कुल संख्या वो 7 है, यानी शिलालेख 14 हैं और स्तंभ लेख 7 हैं। अशोक ने प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिन आचारों की संहिता के पालन की बात कही उसे ही अभिलेखों में धम्म कहा गया है। लोरिया नंदनगढ़ से प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। अशोक के कौशाम्बी से प्राप्त अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कहाँ से? कौशाम्बी से प्राप्त होता है अशोक का एक अभिलेख, उसे रानी अभिलेख कहते हैं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमेंदेई कहलाता है। ये सब इम्पोर्टेंट जितने भी स्तंभ लेख हैं और जो भी सब चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रानी का अभिलेख है, लोरिया नंदन हुआ बिहार से मिलता है, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख, स्तंभ लेख, इस तरह से ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां है। अशोक के कुल 3 गुहालेख अब तक मिले हैं, गुहालेख जो हैं। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए, क्योंकि इसका पिता जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, तो इन्होंने अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुहाओं का निर्माण करवाया। संकिस्ता स्तंभ कौन कौन सी थी वहाँ पे? बराबर के पहाड़ियों में कर्ण चौपड़, इस तरह से एक और है कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ा, इस टाइप से 3-4 गुफाएं हैं वो आजीवक संप्रदाय को दान की थी। संकिस्ता स्तंभ के शीर्ष पर हाथी का, रुमेंदेई स्तंभ के शीर्ष पर घोड़े का और रामपुरवा स्तंभ के शीर्ष पर सिंह का चित्र बना हुआ है, शेर का चित्र बना हुआ है। अशोक के महान स्थान लेख से अन्न भंडार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 1837 में अशोक के लेखों को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। मौर्यकालीन अधिकारियों के धर्म प्रचार यात्रा को अनुसंधान कहा गया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत को चाणक्य ने प्रतिपादित किया था। मेगास्थनीज ने कहा कि भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते हैं, पढ़ते हैं लेकिन लिखने की कला को नहीं जानते, ऐसा किसने कहा है? मेगास्थनीज। अशोक के समय में प्रांतों को जो है चक्र कहा जाता था, क्या कहते थे? चक्र कहा जाता था। प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था। मौर्यकाल में जिले का प्रशासनिक स्थानिक के हाथों में रहता था। मौर्यकाल में जिले का प्रशासन जो है स्थानिक जो है एक पदवी थी, एक पद था, स्थानिक इसके हाथ में रहता था। स्थानिक समाहर्ता के अधीन काम करता था, यानी कि स्थानिक समाहर्ता के अधीन, यानी कि समाहर्ता इससे भी बड़ा हो गया उसके स्थान। गोप स्थानिक के अधीन रहता था, यानी गोप स्थानिक से छोटे होते थे। गोप का अधिकार क्षेत्र गांव होते थे, यानी कि गोप इन सबसे छोटा हो गया कि गांव की देखरेख करता था, गोप के अंतर्गत गांव का क्षेत्र आता था। स्थानिक जो हैं गोप एवं ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच प्रदिष्टि करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया ग्रामिक कहा जाता था। साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट होता था, सम्राट यानी खुद राजा होता था सर्वोच्च न्यायाधीश, और जनपदी न्यायालय के जनपद में जो न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों को राजुक कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट पूछा गया एग्जाम में। अशोक ने अपने शासनकाल में 25 बार बंदियों को मुक्त किया है, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में किया है। कितने भागों में? 7 भागों में। किसने किया? मेगास्थनीज में। मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नगर शासन प्रबंधन को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत
मैगसनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका जो है मैगसनीज लिखी है उसी से प्राप्त होती है। मैगसनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है। किसने कहा है? मैगसनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था भारत का बहुत अच्छे से विस्तार से जानकारी मिलती है तो वो मैगसनीज की इंडिका से ही मिलती है। 16 महाजनपद की बात करते हैं जो कि हमने पहले भी थोड़ा सा देखे थे, अब यहाँ भी देख लेते हैं। महाजनपद हैं ये प्रमुख शासक हैं, इसके कौन कौन से रहे थे, राजधानी है इसकी ये, और वर्तमान अभी प्रेजेंट के टाइम में ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जनपद है अंग, अंग में शासक कौन था, ब्रह्मदत्त, राजधानी इसकी चंपा थी, और ये बिहार के वर्तमान में भागलपुर में स्थित है। मगध, मगध के राजा कौन कौन थे, बिम्बिसार, अजातशत्रु, राजधानी इसकी गिरिव्रज थी, राजगृह थी, और नालंदा बिहार में पड़ता है। ये ज़्यादातर ये सभी जो हैं बिहार और यूपी में ही थे, कुछ चीज़ें एक दो जो जगह हैं वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में हैं, कोई गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, इस तरह से सब चीज़ें। आगे देखते हैं काशी की बात करते हैं। काशी इसका राजा अजातशत्रु था, इसने काशी को मगध में मिलाया था। वाराणसी इसकी राजधानी और जो कि यूपी के वाराणसी में स्थित है आज भी। वत्स इसका राजा उदयन था। कौसाम्बी इसकी राजधानी थी, ये भी यूपी के कौसाम्बी जो है ये भी यूपी में पड़ता है। वज्जी लिच्छवी इसके राजा थे, वैशाली इसकी राजधानी, और वैशाली बिहार में पड़ता है, आज के बिहार में ही स्थित है पटना के ऊपर। कोसल के जो राजा हैं वो प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत राजधानी श्रावस्ती या फिर साकेत का है, ये भी यूपी में पड़ता है, श्रावस्ती अभी भी है। अवंती इसके राजा चंड प्रद्योत थे। चंड प्रद्योत के राजा जो है वो बीमार हो जाते हैं, उस टाइम की बात है, तब ये कौन था उस टाइम में, बिम्बिसार था। जब ये अपने शासन को बढ़ाना चाहता है तब ये अपने राजा अपना जो चिकित्सक होता है जीवक उसे भेज के इसकी बीमारी का इलाज करवा देता है, तो ये उससे खुश रहता है और ये बिम्बिसार की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो ये कहाँ का राजा था, ये मध्य प्रदेश उज्जैन का राजा था। राजधानी इसकी क्या, उत्तरी अवंती उज्जैन, और दक्षिणी अवंती महिष्मती। उज्जैन जो कि एमपी में पड़ता है। मल राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसकी राजधानी जो है पावा या फिर कुशीनगर थी, कुशीनगर आज के यूपी में ही स्थित है। पांचाल इसके राजा की जानकारी कोई नहीं है। इसकी राजधानी अहिछत और कांपिल्य थी, ये यूपी के बरेली में स्थित है। चेदी इसकी राजधानी शक्तिमती या सोथीवती थी, ये मध्य प्रदेश के रीवा में है। कुरु हस्तनापुर और इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। आगे देखते हैं, 11 देख लिया हमने। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, और इसके जो जो करंट जो स्थिति इसकी वो राजस्थान जयपुर में है। कंबोज की राजधानी हाटक और राजपुर। कंबोज जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, यानी राजौरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी, मथुरा भी आपके उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अश्मक की राजधानी पोटली पोतन, ये महाराष्ट्र में। और गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि रावलपिंडी ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इस तरह से इनकी स्थिति हो गई, कौन से राजा थे, क्या राजधानी थी, ये सब चीज़ क्लियर की हमने। अब बात करते हैं मगध जनपद के प्रमुख वंश, इसमें वंश कौन कौन से हुए। मगध में पहला वंश आ जाता है आपका बृहद्रथ वंश, जैसे मैंने आपको पढ़ाया सबसे पहले बताया था ये बीच में वीडियो में, जब अशोक का उत्तराधिकारी की बात कर रही थी मैं, उसका उत्तराधिकारी बृहद्रथ हुआ था, तो वो तो अलग था, लेकिन ये बृहद्रथ दूसरा है। तो बृहद्रथ वंश संस्थापक भी बृहद्रथ ही है। फिर बताती है हर्यक वंश की, ये जो संस्थापक है हर्यक वंश का बिम्बिसार है। शिशुनाग वंश की स्थापना जो करता है वो शिशुनाग करता है। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद करता है, ये काल दे रखा है इसका। हर्यक वंश बिम्बिसार इसका संस्थापक है राजा है, 545 ईसा पूर्व में राजगृह की राजधानी बनाता है। शिशुनाग जो है
वो 412 में 412 ईसा पूर्व में वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है, और महापद्म नंद 344 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट जो थे कुछ जनपद थे, क्या सॉरी वो जनपद हैं जिनके प्रमुख वंश थे, उनके राजा थे, उनका काल वगैरह दिए रखा है कि कौन कौन से काल के कौन से राजा थे। अशोक के सात स्तंभ लेख मैंने देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, इसे क्या किया, इसकी अवस्थिति कहाँ है, जहांगीर ने अकबर के शासनकाल में, जब अकबर का शासनकाल चल रहा था उस टाइम में, जहांगीर ने इसे कौसाम्बी से इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। कौसाम्बी अच्छा खासा लगा हुआ था, वहाँ से लेकर के आए इलाहाबाद में लगा दिया। तो इसी लेख को, इसी स्तंभ लेख को कहते हैं रानी का अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख स्तंभ लेख, ये क्या करता है, फिरोजशाह तुगलक क्या करता है, इसे टोपरा से दिल्ली में ला के लगवा देता है। इस पर सातों अभिलेखों का उल्लेख है। दिल्ली मेरठ का दूसरा अभिलेख है, स्तंभ लेख है। इसको भी क्या करता है, फिरोजशाह तुगलक इसे मेरठ से ले आता है और दिल्ली में इसे स्थापित करवा देता है। दिल्ली मेरठ वाला हो गया। आगे देखते हैं रामपुरवा शिला स्तंभ लेख, ये कहाँ पे है, चंपारण बिहार में स्थित है। लोरिया अरेराज, ये भी चंपारण बिहार में स्थित है। और लोरिया नंदनगढ़, ये भी आपका चंपारण बिहार में स्थित है। इस तरह से ये 6-7 इसके स्तंभ लेख हो गए अशोक के। आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रांत क्या क्या थे। ये प्रांत क्षेत्र हैं, ये राजधानी है और ये मंडल हैं। अब देखते हैं मगध जनपद के प्रमुख वंश। मगध जनपद में कौन कौन से प्रमुख वंश थे, तो ये वंश हैं, संस्थापक हैं इनके, इनका ये काल दे रखा है और इनकी राजधानी। तो बृहद्रथ वंश, इसका संस्थापक बृहद्रथ ही था। इसका काल जो माना था, टाइम पीरियड जो है, महाभारत काल को माना जाता है। उसकी राजधानी गिरिव्रज थी, गिरिव्रज। हर्यंक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। इसने 545 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी और राजगृह इसकी राजधानी थी। शिशुनाग इसकी स्थापना करता है, संस्थापक इसका, कितने काल में, 412 ईसा पूर्व में। और ये राजधानी जो है वैशाली को बनाता है। अब इसमें लास्ट जो इम्पोर्टेंट बचा है वो है नंदवंश। इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ये 344 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। तो इस तरह से ये प्रमुख जनपद हो गए और इनके प्रमुख जनपद के प्रमुख वंश हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ और रह गई हमारी इसमें। अशोक के सात स्तंभ लेख के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रयाग स्तंभ लेख, जहांगीर ने अकबर के शासनकाल में, इसे कौसाम्बी में लगा हुआ था ये प्रयाग स्तंभ लेख, इसे इलाहाबाद में लेकर के स्थापित करवा दिया। कौसाम्बी से निकल खुदवा लेता है और इलाहाबाद में इसे स्थापित करवा देता है। इस अभिलेख को ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। दिल्ली टोपरा अभिलेख, इसे फिरोजशाह तुगलक टोपरा से दिल्ली में लगवा देता है। और इसी पर, यानी कि इसी अभिलेख पर सातों अभिलेखों की जानकारी मिलती है, इसी पर उल्लेख मिलता है। दिल्ली मेरठ का अभिलेख, इसे भी फिरोजशाह तुगलक मेरठ से खुदवा देता है और दिल्ली में स्थापित करवा देता है। इसके अलावा देखते हैं कौन कौन से अभिलेख हैं। दिल्ली मेरठ हो गया आपका। इसके बाद में है रामपुरवा जो चंपारण बिहार में स्थापित है। लोरिया अरेराज, ये चंपारण बिहार में ही है। यानी कि ये तीनों जो हैं, रामपुरवा हो गया, लोरिया अरेराज हो गया और लोरिया नंदनगढ़, ये तीनों जो हैं बिहार में ही स्थित हैं। आगे देखते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रांत जो हैं, प्रांत क्षेत्र ये दे रखे हैं, राजधानी इसकी ये हैं और मंडल किस मंडल में कहाँ का था। तो उत्तरापद प्रांत इसकी राजधानी है तक्षशिला उत्तरापद की। पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी मौर्य साम्राज्य के प्रांत की बात चल रही है यहाँ पे। पश्चिमी में हो जाएगा आपका उज्जैनी। दक्षिणापद की बात करें तो ये हो जाएगा सुवर्णगिरी। मगध में, यानी कि मध्य में था पाटलिपुत्र, यानी मध्य में पड़ेगा पटना। और पूर्वी कलिंग, इसकी राजधानी थी तोसली, जहाँ कलिंग युद्ध हुआ था।
तो इसके जो तक्षशिला के उत्तरापद के मंडल जो हैं शाकल कांधार हैं जो उत्तर में हैं। पश्चिमी की बात करें तो हो जाएगा सौराष्ट्र। दक्षिण की बात करें तो इसिला इसका मंडल, और मगध की बात करें मगध यानी मध्य में तो कौशाम्बी और पुंड्रवर्धन, और लास्ट है आपका पूर्वी कलिंग यानी कि तोसली इसकी राजधानी, तो इसका मंडल कौन सा था, समापा इसका मंडल था। इस तरह इसके मौर्य साम्राज्य के प्रांत भी हो गए। अब देखते हैं मौर्यकालीन समाज के जो मंत्री परिषद वगैरह हुए थे क्या पोजीशन थी इन लोगों को, मंत्री कौन सा था, विभाग कौन सा था, इसे क्या कहते थे, मंत्री और इसके विभाग। मंत्रिन को क्या बोलते थे, मंत्री को बोलते थे प्रधानमंत्री, इसके टाइम में भी होते हैं। फिर पुरोहित को क्या कहा जाता था, पुरोहित धार्मिक कार्य करता था। सेनापति जो है सेना का संचालन करता था। युवराज कौन थे, युवराज जो था शासक वंश से संबंधित था यानी कि जो राजा था उसका जो पुत्र होता था वह युवराज कहलाता था। द्वारिक, द्वारिक होता है द्वारपाल वगैरह होते हैं जैसे कि राज दरबार में रहने वाला, सीमा रक्षक, सीमा द्वारों का रक्षक, ये सब जो द्वारपाल होते द्वारिक होते थे। अंतर्वेदिक ये अंतपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है, समाहर्ता क्या करता था, आर्य का संग्रह करता था, आय में जो थी जो भी इनकम का साधन था उसकी उसका कलेक्शन करता था। सन्निदाता ये पूछा जाता है कौन था, राजकीय कोषाध्यक्ष था, कौन, सन्निदाता, उसका काम यह था। आगे है प्रशास्ति, प्रशास्ति का काम क्या था, कारागारों का अध्यक्ष था, जो भी कारागार हुआ करते थे उस राज्य में उस प्रजा शासन टाइम में तो ये कारागारों का अध्यक्ष हुआ करता था। प्रदेष्टि इम्पोर्टेंट में आता है ये भी, प्रदेष्टि आधुनिक कमिश्नर के समकक्ष था, जो कमिश्नर हुआ करते थे उस टाइम में उनके समकक्ष रहता था, जो आज के टाइम कमिश्नर होते हैं उस टाइम तो कमिश्नर नहीं थे तो उनका कौन था, ये समकक्ष रहता था यानी कि जो आज का काम कमिश्नर करते हैं वो उस टाइम में प्रदेष्टि काम करता था। नायक, नायक का काम क्या, नगर रक्षा का अध्यक्ष था ये नायक। पौर जो है वो नगर का कोतवाल था। व्यवहारिक ये पूछा जाता, व्यवहारिक किसे कहा जाता था, व्यवहारिक जो है प्रमुख न्यायाधीश होता था, किसी भी जिला में जनपद की बात की जाए तो उसमें व्यवहारिक जो होता था वो प्रमुख न्यायाधीश होता था। कर्मांतिक इसका काम क्या था, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था ये। मंत्रिपरिषद ये अध्यक्ष होता था। दंडपाल, दंडपाल तो सुने ही आपने, दंड कौन देता है, किसका काम होता है, पुलिस प्रशासन का ही सब काम होता है, तो पुलिस व अनुशासन विभाग का प्रधान होता था दंडपाल। दुर्गपाल ये राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था। और वहीं आपका ये अन्नपाल जो है इसका काम था अन्न उत्पादन एवं संरक्षण का प्रमुख होता था ये। तो इस तरह से सभी इनके मंत्री और इनके कार्य हो गए, किस मंत्री क्या कहते हैं, किसके क्या कार्य थे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं पर स्टॉप होती है। अगली क्लास में हम मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे वो भी हिस्ट्री से संबंधित होगा। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो मैं चैनल पे बनी रहूँगी, पढ़ाती रहूँगी, आती रहूँगी किसी ना किसी टॉपिक के साथ में, तो सपोर्ट कीजिए, उसके लिए थैंक यू जो सपोर्ट बना रहा है आपका। ठीक है, फिर पढ़ते रहिए, तैयारी में लगे रहिए, और कैसे भी कर इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए ताकि और भी जो भर्ती आने वाली हैं उसे आप उस एग्ज़ाम में आप बैठें और क्वालिफाई करें, भगवान की कृपा से जल्दी जल्दी आप सभी की जॉब लगे। ठीक है, फिर थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।